अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम डिस्कस करेंगे RCCB को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये RCCB मैंने ऑर्डर किया है Amazon से। बेसिकली ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन अर्थ लीकेज या करंट लीकेज प्रोटेक्शन के लिए। आमतौर पर हमारे घरों में ऐसा होता है कि कभी फेस जो है वो बॉडी के साथ टच हो जाता है, मिसाल के तौर पर फ्रिज, इस्त्री वगैरह, उनकी वायर इंसुलेशन उतर जाती है, जिसकी वजह से वो बॉडी साथ टच हो जाती है। तो इसकी वजह से इंसान जब उस फ्रिज या इस्त्री या किसी भी अप्लाइंसेस को टच करता है तो उसे शॉक लगता है। तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, ताकि जब भी फेस बॉडी को टच करे वाइस ट्रिप कर जाएगी, जिसकी वजह से इंसान को शौक नहीं रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं, इस बॉक्स में इसका मैनुअल भी दिया गया, जिसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दिया गया। जैसे कि आप इसके फ्रंट में देख सकते हैं, ये आपको टेस्टिंग के लिए एक बटन दिया गया और यहाँ पे इसकी इंडिकेशन दी गई N1 और दूसरी इंडिकेशन दी गई N2। सो इसका मतलब N1 का मतलब यहाँ पे फेस और यहाँ न्यूट्रल इनकमिंग आएगी और यहाँ से आउटगोइंग जो कि लोड में जाएगी। यहाँ पे डिस्प्ले के लिए एक स्क्रीन दी गई है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सर्किट हमने लाइट के लिए इस्तेमाल किया है, फ्रिज के लिए इस्तेमाल किया है, या सॉकेट के लिए इस्तेमाल किया है, या इस्त्री के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन यहाँ पर रिटर्न करके लिख सकते हैं, ताकि आपको सर्किट के बारे में मालूम हो। इसके बाद आते हैं ये प्रोटेक्शन बटन। जब हम सप्लाई देते हैं तो हमें चेक करना होता है कि ये RCCB ठीक है या नहीं है। तो जब हम बटन प्रेस करेंगे, इसको सप्लाई देने के बाद जब हम बटन प्रेस करेंगे तो इसको ऑफ हो जाना चाहिए, इसको ट्रिप कर जाना चाहिए। अगर ये ट्रिप नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि इस RCCB में प्रॉब्लम है। जब इसको ऑन किया जाता है तो यहाँ रेड डिस्प्ले आ जाता है, इसका मतलब है कि सप्लाई ऑन है, सप्लाई इनपुट और आउटपुट, इनपुट से आ रही है और आउटपुट से जा रही है। इसको ऑफ़ करेंगे तो सप्लाई सिर्फ इनपुट तक आएगी और आउटपुट लोड में जाना बंद हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके लोड की। तो ये मैक्सिमम 25 एम्पेयर तक लोड इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल फेस पे, और इसकी प्रोटेक्शन 300 मिली सेकेंड पर यह ट्रिप कर जाता है, यानी कि इंसान को शॉक बिल्कुल भी नहीं लगता। ये प्रोटेक्शन 100% प्रोटेक्शन है, हैगर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनली मेड इन फ्रांस की बनी है। इसके ऊपर इसका बारकोड दिया गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इसके कनेक्शन किए जाते हैं आउटपुट के, और यहाँ पे इसके कनेक्शन किए जाते हैं इनपुट के। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, और इसके अलावा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए ब्रेकर, नए प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।